देखो मेरे पापा आते बहुत ज्यादा, कम से कम उनका ट्रीटमेंट कर देते तो ठीक हो जाते हैं। वहाँ पर जब बोले कि फोर्स से ज्यादा मती है और उसको बार बार हम बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेशन का और शुगर का दवाई चलाइए, लेकिन नहीं वो मेरा बात सुने, बार बार चिल्ला चिल्ला कर हम बोलते रहे। ट्रेनिंग में जो लड़का है ना उसको जाकर के पहले ठीक कीजिए, उसको हम तो बोल के आए हैं तुमको हम देख लेंगे। ले सिस्टर लोग दो थी तो उसको कुछ पता भी नहीं था, न पल्स चेक रहता था न बीपी चेक करने के लिए आया। बीजी लोग सब पूछ रहे थे कैसे होगा बीपी, कैसे चेक होगा और शुगर कैसे चेक होगा। वो सबसे पहले क्वारंटाइन कर दिया गया और बोला गया कि जब तक कि कोरोना का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम जो है दूसरा वार्ड नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तबीयत उसकी अधिक तबीयत उसकी काफ़ी ख़राब थी, इसके बावजूद भी जो है कोई केयर नहीं किया गया और सिर्फ यूं ही जो है वहां रखा गया। हम लोग बोलते भी रहे लेकिन कोई जो है किसी भी तरह का अटेंशन नहीं दिया गया, जिसके चलते उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ती चली गई। BSF का जवान था और इस वक्त वेस्ट बंगाल में, वो जगह मुझे याद नहीं है, वो पोस्टिंग थी उसकी, वहीं पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वहाँ से फ़ोन आया उसके जो है कलीग्स के जरिए कि तबीयत ख़राब है, इनको जो है ले जा कर के इलाज करवाई। हाँ, कोरोना का रिपोर्ट नहीं आने से वो उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाया। डॉक्टर बोल रहे थे कि कोरोना का रिपोर्ट आएगा तभी हम दूसरा वार्ड शिफ्ट कर सकेंगे, जब तक रिपोर्ट नहीं आता हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, जो यहाँ हो सकता हम लोग करेंगे, बस वही वो करते रहे। ब्लड शुगर का कोई टेस्ट नहीं, हम लोगों ने कल अलग से जो है ब्लड शुगर टेस्ट के लिए स्ट्रिप मंगाया था तो उसमें काफ़ी हाई शो किया और उसके बाद जो है हाई फीवर भी हो गया था उसको। लापरवाही तो पूरा है क्योंकि जो है सिर्फ एक वहाँ पर जो है डॉक्टर हैं जो डेली आते हैं और वो भी वो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जब तक रिपोर्ट नहीं आता है हम इनको जो है दूसरा वार्ड शिफ्ट नहीं कर सकते। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।